हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल दर्शन। कल आपकी सीटी है बेसिक सिविल की, तो मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सीटी के पर्पज़ से भी और आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज़ से। मैं पहले ही बता दूँ, जितना क्वेश्चन मैं बताऊँगी अगर आप उतना पढ़ ले रहे हैं तो सीटी में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको, और एंड सेमेस्टर में मैं बोलूँगी आपकी 90% आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो गई है, आप ये मान के चलिए। बट दैट इज़ ओनली फॉर यूनिट 1 एंड 2, तो कितना ही क्वेश्चन आपके सीटी में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लें। सबसे पहला टॉपिक जो मेरी क्लास का था, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रेक, जिसमें 11 पॉइंट्स हैं, वो भी आपको लिखने हैं। 11 नहीं लिखोगे तो 10 कम से कम लिखो, या नहीं तो 9 तो लिखो ही लिखो। 8 मार्क्स के लिए आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा, पर सीटी में ये 10 मार्क्स के लिए आ रहा है। अगर सीटी में कोई भी क्वेश्चन की मैं बात करूँ लॉन्ग आंसर, तो वो 10 मार्क्स के लिए आ रहा है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। सीटी का फॉर्मेट आपका, हर क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के, तो अगर मैं लॉन्ग आंसर बोल दूँ तो एंड सेमेस्टर में वो 8 मार्क्स और सीटी में आपके 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका था क्वालिटीज़ ऑफ ब्रेक, जिसमें 11 पॉइंट्स लिखाए हैं, तो आपको अगर 10 मार्क्स के लिए सीटी में अटेम्प्ट करना है तो पूरे के पूरे 11 लिखने हैं, नहीं तो 10 तो लिखने ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, आपके टेस्टिंग बताई थी ब्रिक्स की, 2 टेस्टिंग बताई थी, एक है क्रशिंग, स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रेक, और दूसरा है आपका वाटर अब्सॉर्प्शन। क्रशिंग तो सिंपल है, स्टेप्स लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले को बॉक्स में पुट अप करेंगे, फिनिश। वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट में आपके 2 मेथड्स थे, 5 आवर और 24 आवर, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। इन केस नहीं याद आ रहा है तो ठीक है, एक लिखिए, बट मैं बोलूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी दोनों लिखिएगा, ठीक है। लास्ट में उसके भी स्टेप्स के बाद एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप बॉक्स में फिलअप करेंगे, एनफ, फिनिश। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, दैट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, जो आपको सीमेंट बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लाइम सिलिका वाला क्वेश्चन था, लाइम सिलिका एलुमिना, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या यूज़ है वो आपको पढ़ना है। अगर परसेंटेज याद रख सके उन इंग्रेडिएंट्स का तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रख सके तो कोई बात नहीं, मत लिखिएगा। उसके अलावा सीमेंट वाले टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, क्या टाइप्स के सीमेंट, कितने टाइप्स के होते हैं, 11 टाइप्स हैं आपके, मेजर 5 टाइप्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके 11 टाइप्स हैं, ठीक। अब उन 11 टाइप्स में से आपको सारे टाइप्स लिखने ही हैं बाय नेम, और मैं बोलूँगी एक एक लाइन अंदर पे डिस्क्राइब भी कर लीजिए कि क्या है वो सीमेंट, बस दैट विल बी इनफ, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपके सीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज़ वोक्स कंपाउंड। वोक्स कंपाउंड मतलब सीमेंट पे जब पानी ऐड करते हैं तो कुछ 4 कंपाउंड बनते हैं, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था फॉर्मूले के साथ, वो कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या यूज़ है उसका, मेरे नोट्स में बहुत शॉर्ट में दिया है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, आप उसको एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक मैंने क्लास में बताया था, कैसे याद करेंगे शॉर्ट में, वैसे ही आपको याद करना है। वोक्स कंपाउंड मेन एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटी में तो है, उसको बिल्कुल से याद कर लीजिए, आपके केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में भी काम आएगा। नेक्स्ट है आपका, एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ाया था, याद करो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ उसमें सीमेंट में, जो कि था फाइननेस। आपने लैब लेबोरेटरी टेस्ट भी किया होगा, उसमें प्रैक्टिकल में किया है आपने, फाइननेस टेस्ट करते हैं, सीव्स छन्नी से छानते हैं कितना फाइन है सीमेंट, उसका डेफिनेशन बताया था मैंने, तो उसको आपको पढ़ना है। डेफिनेटली लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा फाइननेस, शॉर्ट आंसर में आएगा, तो शॉर्ट आंसर में भी आएगा तो 4 मार्क्स के लिए तो आएगा, उसके हिसाब से मेरे नोट्स में मैंने जितना लिखाया है डेफिनेशन सही, उतना आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके बाद की, तो हम अब यूनिट 1 में इतना काफ़ी है, यूनिट 1 में इतने क्वेश्चन विल बी इनफ। सेकेंड यूनिट में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरा, वर्क एबिलिटी, क्या होती है वर्क एबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वर्क एबिलिटी को, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक मेथड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए विथ डायग्राम, स्टेप्स एंड फॉर्मूला, ख़त्म। वर्क एबिलिटी इतना ही पूछेगा मेन एग्जाम में। अगर वर्क एबिलिटी, सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन वर्क एबिलिटी का है जिसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन अंदर है, जैसे व्हाट इज़ वर्क एबिलिटी, क्या फैक्टर्स है उसके, और एक मेथड को डिस्क्राइब कीजिए जिससे हम वर्क एबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो तीनों क्वेश्चन में आपका वेटेज कैसा होगा, डेफिनेशन में 1 मार्क्स, फैक्टर्स में 2 मार्क्स, बाकी बचे हुए मार्क्स आपके उसके मेथड को बनाने के लिए,
कि कौन कौन सा कितना मेथड किस मेथड से हम वोकैबुलरी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उस डिवीजन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैडम मैंने तो पूरा मेथड अच्छे से डिस्क्राइब किया, इतना बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर उस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सब में नंबर डिविजन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्यूरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूरिंग क्या है आपका, आप लोग की एक प्रॉपर्टी है हार्डेंड कंक्रीट की, जिसमें आप क्या करते हो पानी डालते हो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। उसमें बहुत सारे टाइप्स थे क्यूरिंग के, उस क्यूरिंग के टाइप्स को आप पढ़ लीजिए, मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक छोटा सा मैं बोलूँगी क्वेश्चन है जो आपको मैंने तब बताया था लास्ट के क्लास में, दैट इज सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी शॉर्ट आंसर में ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। तो 4 मार्क्स के लिए अगर आ रहा है तो दोनों नंबर दोनों में डिवाइडेड है, एक एक लाइन का फॉर्मूला एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखना है, उसको बॉक्स में पुटअप करना है। जब भी फॉर्मूला लिखे उसको बॉक्स में पुटअप करें, दैट विल बी इनफ, ठीक है। अगर 2 मार्क्स के लिए आया है तो, क्योंकि लॉन्ग आंसर में नहीं आ सकता। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दैट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको फाउंडेशन क्या होता है, क्या टाइप्स है फाउंडेशन के, उसको बहुत अच्छे से लिखना है, और जितना टाइप है उसका नाम प्लस उसका डायग्राम अगर बना सको तो बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट्स जो नहीं लिखे। अच्छा, फाउंडेशन में कई बार उस क्वेश्चन में टाइप्स के साथ साथ और दो क्वेश्चन पूछता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन और व्हाट इज़ नेसेसिटी ऑफ फाउंडेशन। अब फंक्शन और नेसेसिटी दोनों सेम सिमिलर टॉपिक है, पर उसमें लिखना आपको क्या है वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में ध्यान से पढ़िएगा नेसेसिटी और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और एक ही मतलब ऑलमोस्ट सेम है पर उसको लिखना कैसे है वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा वहाँ जाकर। नेक्स्ट मैं बोलूँ तो एकदम छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। सैंड का क्या काम होता है मोर्टार में, उसके कुछ 5 पॉइंट्स लिखाए थे वो देख लीजिएगा। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है वो देख लीजिएगा, उसका एक छोटा सा ग्राफ है वो देख लीजिएगा। और लास्ट में बोलूँ तो लोड बियरिंग और फ्रेम कंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था वो देख लीजिएगा, उसका डिफरेंस है। एक पॉइंट आप याद करेंगे एक साइड का, सपोज लोड बियरिंग का, तो फ्रेम कंस्ट्रक्शन का जस्ट अपोजिट होगा उस पॉइंट में, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें भी 11 पॉइंट्स है, 11 to 12 पॉइंट्स है। अगर आपके 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 2 ऑल्सो। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में इतना ही पोर्शन आपके लिए इनफ है। अगर किसी को मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं दैट इज़ द होल पोर्शन ऑफ 90%, दैट मीन्स 90% प्रिपरेशन के लिए ये पोर्शन जितना मैंने बताया है वो इनफ है। आपकी 90% तैयारी हो जाएगी मेन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की, और सीटी के लिए तो 100%। ओके, सो डू वेल, स्टडी वेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सबके लिए कॉमन है, हर सेक्शन के लिए कॉमन है, ठीक है। तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमॉरो। थैंक यू फ्रेंड्स।